हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? हेलो मैम, ठीक है. बेटा सभी अपना माइक ऑफ रखेंगे, जिससे कुछ पूछा जाएगा वही अपना माइक ऑन करेंगे, ठीक है ना? आई थिंक सभी को स्क्रीन पे बुक दिखने लगा होगा अभी. नो मैम. नो मैम. यस मैम. ओके, साइलेंट. बेटा जो भी हमने गेट गोइंग के एंड जो एक्सरसाइज डिस्कस की, इसमें कहीं भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं. नो मैम. नो मैम. सारे टॉपिक क्लियर है ना? यस मैम. यस मैम. ओके, सो लुक केयरफुली. रिमेम्बर, यू आर बिग एनिमल्स. द एल्डर्स वार्न. सो व्हेन यू सिट और लाए डाउन ऑन द ग्राउंड, यू मस्ट वॉच आउट फॉर स्नेल्स. क्लियर? जब भी आप कभी बैठना या फिर लेटना, तो ये ध्यान से देख लेना, वॉच आउट फॉर स्नेल. देखिए आप यहाँ पे, देर आर टू फ्रेसल वर्ब्स दैट आर हाइलाइटेड, है ना? वॉच आउट मीन्स जरूर ध्यान से देखना कि कहीं हो सकता है वहां पे स्नेल ना हो. सो वॉच आउट का स्पेशल मीनिंग निकल रहा है ना, ध्यान से. यस मैम. वॉच आउट. And watch out consists of the verb watch and preposition out. Watch out जो phrasal verb है वो किससे बना है? Watch verb and out preposition. Watch means देखना. मैम देखना. बेटा in this sentence watch is not noun, watch is verb. Okay? Watch means देखना. आउट आपका प्रीपोजिशन है एंड वॉच आउट को जो हमने साथ मिक्स किया, व्हेन द वर्ड्स कम टुगेदर दे मेक अ स्पेशल मीनिंग टू बी केयरफुल. समझ में आया? जब वॉच आउट को हमने एक साथ मिलाया तो इसका स्पेशल मीनिंग क्या हो गया? बी केयरफुल, ध्यान देना, मतलब सावधान रहना. ओके, सो सच वर्ड्स आर कॉल्ड फ्रेसल वर्ड्स. ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रेसल वर्ड्स. ठीक है? वर्ब प्लस प्रीपोजिशन मिलकर जब ऐसे वर्ड बनाए जिसका स्पेशल मीनिंग निकलता हो, सो ऐसे वर्ब्स को हम बोलते हैं फ्रेसल वर्ब्स एंड दे आर मेड फ्रॉम वर्ब प्लस प्रीपोजिशन. क्लियर? सभी को समझ में आ गया ना? वेरी इजी. सो हियर आर फोर अदर फ्रेसल वर्ब्स. लुक केयरफुली. हियर आर फोर अदर फ्रेसल वर्ब from the story that contain the prepositions out. Look at the situation given and write their meaning in the last column. Phrasal verb आपका क्या है? Call out. Situation क्या है? Call. Call out का means क्या हुआ? यहाँ पे देखिए, in the picture there is a man inside the room and a man outside of the room. And he is calling to the man who is inside in the room. है ना? जो कि रूम के अंदर है. तो इसका मीन्स क्या हुआ? किसी को पुकारना, कॉल आउट. ठीक है? समझ में आया? Yes ma'am. To call someone. कर लेंगे? Yes ma'am. Yes ma'am. Next, अब देखिए watch out. वॉच आउट ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, है ना? वॉच आउट. बी केयरफुल. लुक केयरफुली इन दिस पिक्चर. इट इज अ पिक्चर ऑफ गार्डन एंड देयर इज अ बेंच, है ना? एंड अ गर्ल इज सिटिंग ऑन द बेंच, बट अ मैन इज सजेस्टिंग दैट वॉच आउट. मतलब ध्यान देना, बिकॉज यहाँ पे देखो, देयर इज अ रॉक अंडर द बेंच. बेंच के नीचे रॉक है और उसी पर जो बेंच का जो जो लेग है वो
रखा हुआ है सो दैट बेंच जो है वो अगर गर्ल जो है बैठेगी तो वो लड़खड़ा सकती है ना. यस मैम. सो वॉच आउट का हमने वर्ब यूज किया वॉच आउट टू सो दैट समथिंग इज देयर इज अ नीड ऑफ केयर मींस बी केयरफुल सावधान रहने की जरूरत है ना. सो टू बी केयरफुल हाँ इसका मीनिंग आप राइट कर सकते हैं बी केयरफुल. ओके टू बी केयरफुल हाँ टू बी केयरफुल क्लियर. यस मैम. लुक एट द अदर प्रेजेंट वर्ब चेक आउट. ओके बेटा सो यहाँ पे क्या है चेक आउट. चेक आउट मीन्स टू लुक केयरफुली मतलब ध्यान से देखना है ना. यस मैम. टू थिंक अबाउट द ऑल एस्पेक्ट्स मतलब हर चीज पे ध्यान देना चेक आउट है ना. नेक्स्ट आपका है हियर आउट. हियर आउट मीन्स क्या होगा मैम. लुक एट द पिक्चर एंड गेस. लुक एट द पिक्चर एंड गेस एवरीवन. देखिए टीचर टू हियर आउट मैम. यू टू हियर केयरफुली. एक बेटा एक मिनट बेटा सभी लोग साथ में नहीं बोलेंगे. आप लोग की बैड हैबिट हो चुकी है जिससे पूछेंगे वही बोलेगा. यू नीड टू लिसन केयरफुली एंड माइक अपना ऑफ रखिए जिससे हम पूछेंगे वो बताएगा. अभी आकांक्षा बताएंगी. आकांक्षा ऑन द माइक. हियर बेटा पहले पिक्चर देखिए. लुक एट द पिक्चर एंड गेट्स गेस व्हाट इज हैपनिंग. हियर आउट का यूज हम क्यों कर सकते हैं. टीचर इज सजेस्टिंग समवन समथिंग टू द चिल्ड्रन. देखिए यहाँ पे टीचर कुछ समझा रही है ना. Yes, yes, जब टीचर समझाती है तो हमें क्या करना चाहिए मैम. टू लिसन केयरफुली. यस वेरी गुड. टू लिसन केयरफुली. हियर आउट का मीन्स क्या हुआ. टू लिसन केयरफुली. समझ में आ गया सभी को. यस मैम. कॉल आउट मीन्स कॉल टू कॉल समवन. वॉच आउट टू बी केयरफुल. चेक आउट लुक केयरफुली. And hear out, listen carefully, है ना? Carefully. To listen carefully. Yes, so I think सभी को phrasal verbs समझ में आ गए होंगे, है ना? Yes, ma'am. So let's do the exercises. बेटा सभी अपना mic on रखे, sorry सभी अपना video on रखेंगे. यहाँ पे अस्मित का video बार बार off हो रहा है. अस्मित बेटा ये आपकी habit बन चुकी है. अस्मित को मैं रिमूव करती हूँ. मैम ऑन है. मैम चेक आउट मींस क्या होता है. शट आउट मतलब ध्यान से बंद करना. शट आउट. नेक्स्ट नाउ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द फ्रेसल वर्ब. वॉच आउट कॉल आउट हियर आउट चेक आउट. अभी आपने जो पढ़ा है ना सारे फ्रेसल वर्ब्स इन्हें का यूज करता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग. हमें इसका यूज करना है. लुक एट द सेंटेंस नंबर वन. अन्ना डिड नॉट हियर सैम हर नेम. क्या हो सकता है यहाँ पे. अन्ना डिड नॉट हियर सैम मतलब सैम की आवाज वो नहीं सुन सकी. क्या करेंगे हम यहाँ पे. वॉच आउट करेंगे या कॉल आउट करेंगे. हियर आउट या चेक आउट. मैम हियर आउट. मैम हियर आउट. हियर आउट मतलब उसका नेम उसे सुनाई नहीं दिया तो फिर से बोलने की जरूरत पड़ेगी ना. मैम कॉल आउट. मैम कॉल आउट. मैम कॉल आउट. ओके मैम कॉल आउट. यस लुक एट द सेंटेंस नंबर बी. मिनाल द बुक केयरफुली बिफोर सी डिसाइडेड टू बाय इट. मिनाल द बुक यहाँ पे कह सकता है मतलब खरीदने से पहले बुक को ध्यान से देखना. चेक आउट. इसके बाद क्या होगा. अगर हम यहाँ पे रखते हैं मिनाल चेक आउट द बुक केयरफुली. मैम वॉच. मैम वॉच आउट. मैम वॉच आउट. वॉच आउट केयरफुली बिफोर सी डिसाइडेड टू बाय इट. सबसे पहले यहाँ पे वॉच आउट करेंगे. मिनाल वॉच आउट द बुक ध्यान से देखती है एंड चेक आउट केयरफुली बिफोर सी डिसाइडेड टू बाय इट.
Okay. Yes, ma'am. Next, Priyanka was about to slip on the banana peel. Rakesh quickly asked her to. मतलब लगभग वो घूमने वाली. देखिए ध्यान से रीड द सिचुएशंस एंड थिंक अबाउट द सिचुएशंस. प्रियंका वाज अबाउट टू स्लिप, मतलब वो लगभग स्लिप करने वाली थी बनाना पील से. तभी क्या होता है, राकेश क्विकली आस्क्ड हर. राकेश ने तेजी से बोला व्हाट, क्या हो सकता है. वाच आउट, मतलब ध्यान से देख लो, है ना. वाच आउट. ओके नेक्स्ट, द पुलिस मैन द कंप्लेंट पेशेंटली. द पुलिस द कंप्लेंट पेशेंटली. कॉल आउट है ना, पुलिस ने पुकारा जो कि कंप्लेन, जिसका कंप्लेन था उसको, है ना. Yes, ma'am. The policeman called out the complaints. Patiently means dhairyapurvak. And hear out. ध्यान से सुनने के लिए कहा है ना. And hear out. Patiently. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next. Yes, ma'am. Using a dictionary, find out the meaning of these phrasal verbs with out and use them in sentences of your own. Using a dictionary, एक dictionary का use करते हुए find out the meaning of the phrasal verb. सारे phrasal verbs की meaning अब. हाँ बेटा विकास, what's happening? मैं hang out. Me. पहले बार ध्यान से सुन तो मैं पहले ही बोल देते हैं. Using a dictionary. This work you have to do by own. खुद से सर्च करके करेंगे. मैं आज इसमें कुछ नहीं बताऊंगी, पहले आपको ट्राई करना है अब. ओके. यस सर. सो यूजिंग द डिक्शनरी फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दीज फ्रेसल वर्ब. जो नीचे फ्रेसल वर्ब दिए हुए हैं आउट का यूज करते हुए, आपको इनका मीनिंग राइट करना है एंड यूज देम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. उसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग सेंटेंसेस में यूज भी करना है. क्लियर. यस कर लेंगे ना. हैंग आउट, फिगर आउट, पास आउट, स्टैंड आउट, कीप आउट. चलिए पहले आप लोग ट्राई करिएगा, उसके बाद अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी, बट फर्स्ट यू नीड टू ट्राई. सभी कोशिश करेंगे बेटा, ऐसा मत करना कि आप करो ही ना, बोल दो कि मैम नहीं समझ में नहीं आया था. ऐसा मत करना, सभी लोग कोशिश करेंगे. एक दो तो कम से कम कर ही पाएंगे ना, सारा नहीं कर पाएंगे तो एक दो तो कर ही लेंगे ना. मैम दो करेंगे, दो करेंगे आप अभी से. मैं तो पता है, मैं अभी से तो पता है. अच्छा ओके वेरी गुड. सो दिस वर्क फॉर टुडे आज ही करना है एंड दिस वर्क यू हैव टू डू इन योर नोटबुक. यहाँ पे स्पेस नहीं है सो आप वो कैब्री जंक्शन बुक ए. मैम बाहर निकलने का मीनिंग क्या होगा. हाँ बेटा मैम बाहर निकलने का इंग्लिश मीनिंग. बाहर निकलना टू गो आउट. यस मैम. मैम ठीक है. सो आई थिंक कर लेंगे इजी, वेरी इजी. यस मैम. एंड इससे रिलेटेड हम बुक सी वाला भी देख लेते हैं. बुक सी में भी सेम होगा, समझा देते हैं, बट करना आप लोग को ही है. ओके यस मैम. यस वेट. बेटा बुक सी की रीडिंग जंक्शन वाले क्वेश्चन सभी ने कर लिया था ना, है ना. कल समझाया भी गया था इसको. एंड यस मैम. फादर भी आते हैं हम लोग. यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ फ्रेसल वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स. यूज द पास्ट टेंस वेयर एवर नेसेसरी. ये सारे जो फ्रेसल वर्ब्स दिए हुए हैं आपको यही फ्रेसल वर्ब्स यूज करके करना है. ठीक है. Use the correct form of phrasal verb given in the boxes to fill in the blanks. ये sentences को fill up करने के लिए, ठीक है. और अगर आपको लगे कि इसमें past tense हम use करें, इसमें past tense होना चाहिए, verb का second form होना चाहिए, so you can do it. कर सकते हैं, ठीक है. अगर आपको लगे कि होना चाहिए तो.
सो लुक एट द क्वेश्चन नंबर ए, इस सेंटेंस नंबर ए देखते हैं. शीला आस्क्ड उहा टू एज शी वाज अबाउट टू स्लिप ऑन अ बनाना पील. शीला ने उषा को क्या किया, लगभग वो बनाना पील से स्लिप करके वो गिरने वाली थी, तो शीला ने उषा से क्या बोला होगा? अनुप्रिया मैम वॉच आउट, मैम वॉच आउट, मैम ईडी भी लगाएंगी, वॉच्ड आउट है ना, मैम वॉच्ड आउट, क्योंकि पास्ट को डिनोट करता है. ओके सो शीला आस्क्ड उषा टू वॉच्ड आउट एंड शी वाज अबाउट टू स्लिप ऑन द बनाना पील. मतलब लेकिन वॉच आउट ही करेंगे, तो आस्क्ड आपका मेन वर्ब यहां पे आस्क्ड लिखा हुआ है ना, देखने के लिए वॉच आउट ही करेंगे. ओके नेक्स्ट सेंटेंस नंबर बी. रोजा ऑलवेज द टोमेटोज सो दैट द वेजिटेबल सेलर डज नॉट पैक द रॉटन वन. रोजा जो क्या करती है टोमेटोज को? वन चेक आउट, चेक आउट, चेक आउट. रोजा ऑलवेज चेक आउट द टोमेटोज. फिर कॉल आउट, कॉल आउट मैम, कॉल आउट, मैम पुट आउट, कॉल आउट, मैम कॉल्ड, मैम पुट आउट, मैम गिव अप. ध्यान से देखिए पहले, यस मैम. रोजा मैम गिव अप, चेक आउट टोमेटोज, टोमेटोज को चेक किए, मैम गिव अप, कॉल आउट, मैम गिव अप, मैम कॉल आउट, गिव अप, कॉल आउट. एक मिनट, कॉल आउट किसको? कॉल आउट, एक मिनट. So that the vegetable seller does not pack the rotten ones. Watch out hoga, look out hoga, look away, went on. I went on. Sabhi confused hai. Ma'am, look out. Call out. Ma'am, call out. Ma'am, तो यहाँ पे गिव इन राइट करेंगे है ना मैम? यस मैम, इज कॉलिंग मी मैम. रुचि, यस मैम, टेल मैम. मैम इस सेंटेंस में ईडी नहीं लगाना है? नो. ओके नेक्स्ट. अन्नपूर्णा कंप्लेनिंग अबाउट द हीट even after Pawan had turned the fan on. Ma'am, call out. Ma'am, call out. Complaining, मतलब क्या होगा? About the heat, मतलब गर्मी के लिए वो शिकायत करी है जब भी, जबकि की पवन ने फैन को ऑन कर दिया है. यहाँ पे क्या होगा? मैम फिर से बोलिए. अन्नपूर्णा जो है वो गर्मी की वजह से कंप्लेन कर रही है, और फिर भी इस हो ये पवन ने जो है वो पवन ने फैन ऑन कर दिया है, फिर भी अन्नपूर्णा क्या होगा? मैम कॉल आउट, मैम कॉल आउट, कॉल आउट, कॉल आउट, यस मैम. ओके कर लेंगे सभी, यस मैम. बाकी आप लोग करेंगे. ओके And yes, ma'am. The sentence number, question number two देखते हैं. Choose one of these idioms. Idioms means? मुहावरे. Okay? So choose one of these idioms. इसमें से जो three idioms हैं, इसमें से आपको किसी one को choose करना है. To write a story to illustrate its meaning. इस तरीके से स्टोरी में यूज करना जिससे इसकी मीनिंग जो है प्रॉपरली एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाए. लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, एवरी क्लाउड हैज सिल्वर लाइनिंग, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट. कर लेंगे? नोटबुक में राइट करना है, एवरी नोटबुक में करना है. लाइनिंग मतलब हमेशा, मतलब दुख के बाद जो है, दुख के बाद सुख आते हैं, मतलब निराशा में ही आवाज छिपी होती है. ठीक है, इसका मीनिंग ये निकलता है. लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब मुसीबत मोल ले लेना. ओके समझ में आया?
एंड क्यूरियोसिटी किल्स द कैट. कभी कभी अधिक अति है वो हमारे लिए हानिकारक हो जाती है. ठीक है मैम फिर से बता दीजिए. माइक ऑफ करिए, आसपास से आवाज नहीं आनी चाहिए बेटा. ओके कुछ पूछना हो फिर अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं. यस मैम. लेट द कैट आउट जानबूझ के मुसीबत मोल लेना. ठीक है कैट को बैग से निकालना मतलब कैट जो कि हमेशा उछल कूद करती है परेशान करती है तो कहने का मीन्स क्या हुआ जानबूझकर मुसीबत मोल ले लेना मुसीबत को अपनाना. ओके तो आपको ऐसे कोई स्टोरी यूज करनी है जिसमें अगर आप ये वाला आइडियम्स चूज करते हैं सो दैट यू हैव टू राइट ए स्टोरी इन विच स्टोरी द मीनिंग ऑफ दिस आइडियम्स वुड बी क्लियर एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाए पूरी इसी पर बेस्ड हो. ठीक है कि मुसीबत मोल लिया हो ऐसा कोई करेक्टर रखना बात की क्या हुआ इंसिडेंट्स क्या हुआ मैम एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लिनिंग मैम इसका मतलब क्या होगा बता दो बेटा. वेट तो ये वाला फर्स्ट वाला क्लियर है सभी को द फर्स्ट यस मैम सभी को ना एनी कंफ्यूजन एनी प्रॉब्लम नो मैम. मैम इन तीनों में से मैम एक का ही मैम एक से ही स्टार्ट टू यूज ऑनली वन इडियम यू हैव टू यूज ओनली वन इडियम यू एंड यू हैव थ्री ऑप्शंस बट यू हैव टू चूज एनी वन ऑप्शन. ओके ठीक है आप इजली यूज कर सको. बी वाला क्या है एवरी क्लाउड्स हैज अ सिल्वर लाइनिंग मतलब हर निराशा में एक आशा छुपी होती है कह सकते हैं दुखों में भी एक आशा की किरण होती है. समझ आया कर लेंगे यस मैम. एंड नेक्स्ट आपका है क्यूरियोसिटी में होता है जिज्ञासा अत्यधिक उत्तेजित हो जाना क्यूरियोसिटी किल्स द कैट तो अति संवेदनशीलता होती है वो हमें नुकसान पहुंचाती है. ओके मैम बता दीजिए मैम सी का idioms मैम सी का जो अधिक जिज्ञासु हो जाना अधिक संवेदनशील हो जाना हमारे लिए कभी कभी मुसीबत हो जाता है हमें नुकसान पहुंचाता है. ओके मैम नोटबुक करना है. यस दिस वर्क यू हैव टू डू इन योर नोटबुक बेटा दिस इज वर्क फॉर टुमारो ये कल का है. ठीक है बुक सी की जो से साइज बेटा आपकी वर्क की फोटो क्लियर नहीं आपने क्या राइट किया इसको फिर से राइट करके सेंड करिए. किसने अपना वीडियो ऑन कर ऑन कर रखा बेटा माइक ऑफ होना चाहिए. नेक्स्ट आपका है बेटा 5.2 इट्स वर्क फॉर टुमारो एंड फ्रॉम बुक ए द एक्सरसाइजेस फ्रॉम वोकैबुलरी जंक्शन यू हैव टू कंप्लीट टुडे. ठीक है यस मैम बुक ए का आज करना है. बुक ए वाला आज करना है कर लेंगे एनी कंफ्यूजन एनी प्रॉब्लम नो मैम. पहले तो अभी टाइम है हमारे पास हम फोनिक जंक्शन भी डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है यस मैम डिस्कस कर लेंगे एक्सरसाइजेस आप लोग कुछ कल करना इजी होगा इजी है आप लोग आज भी कर सकते हैं कोई कंफ्यूज वो नहीं है प्रॉब्लम नहीं है बेटा. अभी किसी भी एक्सरसाइज में कहीं कंफ्यूजन हो सो यू कैन आस्क टू मी. ठीक है पूछ सकते हैं आप लोग इसके बाद सभी क्लियर है ना आज की जो टॉपिक पढ़ाई है सभी को क्लियर है. यस मैम. सो लुक एट द फोनिक जंक्शन रीड दीज लाइंस फ्रॉम द स्टोरी द लीडर ऑफ द हर्ड इज अ टस्कर. टस्कर मीन्स अमन मैम टस्कर द वर्ड टस्कर डिनोट्स द पावर पावर है ना टस्कर मीन्स होते हाथी दांत. ठीक है तो टस्कर यस मैम. तो स्टोरी में क्या था टस्कर जो था टस्कर वाले जो एलिफेंट्स होते थे उनको लीडर बनाया जाता था है ना. सो द लीडर ऑफ द हर्ड इज द टस्कर लूमिंग लार्ज एंड पावरफुल ऑल क्रिएचर्स हु हैड ग्रजेज अगेंस्ट बुका स्टार्ट अ कोरस. लुक केयरफुली द वर्ड लार्ज एंड ग्रजेज आर हाइलाइटेड इन द बोल्ड लेटर्स द लेटर जी इन द लार्ज एंड द लेटर डी जी ई इन द ग्रज आर प्रोनाउंस इन द सेम वे. आपने देखा होगा ना कहीं कहीं जी का प्रोनाउंसिएशन जा जैसा होता है लेकिन कभी कभी डी जी ई को भी हम जा बोलते हैं है ना जी yes, है ना. जैसे लार्ज में जी सेम है
एंड ग्रज जी आर यू डी जी ई, इसमें डी जी ई से जी की साउंड निकल रही है, जा की साउंड है ना. यस मैम. यस मैम. लेट्स लुक एट सम मोर सच वर्ड्स. कुछ ऐसे वर्ड्स और भी हैं. अब देखिए जायंट, जायंट भी जी एंड जिराफ जी. ब्रिज में देखिए डी जी ई एंड बैज, जो बैज लगाते हैं आप लोग है ना, स्कूल बैज, बैज और yes. बैज लगाते हैं आप लोग इंडिपेंडेंस डे बैज है ना. यस मैम. इसमें भी डी जी ई, बोथ प्रोनाउंसिएशन आर सेम. जायंट, ब्रिज, जिराफ, बैज, क्लियर. ऐसे ही जिम, नॉलेज, डी जी ई आया है ना, जिम, नॉलेज. जल, जज, जल, जम, एज, एज मींस किनारा. जम, जम मतलब जो मोती जवाहरात होते उसको हम जम्स बोलते हैं है ना. जम, एज, जनरल, गैजेट, कैच, बजट. बजट मतलब सूची बनाना, आपने कितना खर्चा किया, कितना आपकी बचत हुई, इन सब का जो हम एक रेखा बनाते हैं, रूपरेखा बनाते हैं, उसको हम बजट बोलते हैं. ओके. यस मैम. तो आपने देखा सभी में जी की साउंड, मतलब बोथ आर प्रोनाउंसिंग इन द सेम वे. जिम, नॉलेज, जेल, जज, जम, एज, जनरल, गैजेट, एज, बजट. नाउ फाइंड आउट जी, द जी एंड DGE words from the from these sentences and write them in your notebook. Then read the words aloud. Okay. First of all, you have to look the sentences. The policeman said that he did not generally wear his badge. यहाँ पे कौन से words हैं जिसमें G pronunciation, G and DG sound आया है? निहारिका बताएंगी. निहारिका on the mic and tell the answer. Look at the sentence number one and tell me. The words that has same sound G and D Z E. The policeman. The matter. एक मिनट बेटा. The matter. सभी से कोई भी attend. The policeman said that he did not generally wear his badge. Badge. Only badge. G से भी मेरे को ये word मिलेगा, D G से भी मिलेगा. Generally. Generally. Very good. Generally. मतलब जी से मैच करेगा एंड बैज मतलब डीजी. क्लियर. ओके. सेंटेंस नंबर बी. डिप्सीज नॉलेज ऑफ गैजेट इज नॉट वेरी गुड. डिप्सीज नॉलेज एंड गैजेट. मैम नॉलेज एंड गैजेट एक साथ बोलेंगे जरूर आप सभी है ना. रूल्स नहीं फॉलो करेंगे. आकांक्षा यू टेल बेटा. On the mic. Yes, ma'am. Tell. Dipsy's knowledge of gadget is not very good. Ma'am, gadget, ma'am. Ma'am. Knowledge and gadget. Both are same. Knowledge, DGE. Gadget, DGE. है ना, दोनों में DGE, DG sound आया है, है ना? तो ऐसे पार्ट्स को अंडरलाइन करेंगे और इसके नोटबुक में नोट करेंगे. ठीक है. कॉलम बनाकर जिसमें डी जी आया है उसको अलग कॉलम में और जिसमें जी आया है उसको अलग कॉलम में. ओके. मैं ऊपर नहीं लिख सकते. नहीं ऊपर नहीं लिख सकते. आपको नोटबुक में प्रॉपरली जैसे बुक में राइट किया हुआ ऐसा राइट करना है. ओके. यस मैम. एंड नेक्स्ट लुक एट द सेंटेंस नंबर सी. हेनरी सा, हेनरी सा द जायंट स्टैंडिंग नियर द एजेज ऑफ द ब्रिज. सतप्रकाश यू टेल. मैम जायंट एंड ब्रिज एंड इट इज एज. वेरी गुड. जायंट मतलब जी साउंड से, एजेज डी जी ई, ब्रिजेज डी जी ई है ना. यस मैम. I felt sad when I saw the giraffe inside the cage. I felt sad when I saw the giraffe inside the cage. I felt sad when I saw the giraffe inside the cage. Savitri, you tell.
मैम जिराफ एंड केज. जिराफ एंड केज, गुड. ओके, लुक एट द सेंटेंस नंबर ई. द लॉयर टोल्ड द जज दैट द क्राइम हैड टेकन प्लेस नियर द जिम. मतलब जो अपराध हुआ है वो जिम के नजदीक हुआ है. द लॉयर, लॉयर मींस मैम जज. नहीं जज नहीं, वकील. मैम लॉयर है ना. लॉयर टोल्ड दैट द जज, मतलब जज से लॉयर मींस वकील ने बोला दैट द क्राइम हैड टेकन प्लेस नियर द जिम. वहां पे कौन कौन से वर्ड सेम आ रहे हैं बेटा? रुचि मैम जज. सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये, है ना? आज एक काम बनाओ, अगली वाले वर्क आज कर लेना एंड ये फोनिक वाले वर्क कल कर लेना, ठीक है? थोड़ा थोड़ा सही है एंड फोनिक बुक एसी कल कर लेना. ओके यस मैम. स्टोरी भी कल राइट करेंगे. मैम स्टोरी नहीं बनाऊंगी, टाइम लगेगा. तो स्टोरी कहाँ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आज ही कर लेना. देखिये बुक्सी में जो फोनिक जंक्शन है वेरी इजी है आपको. देखिए वन ही क्वेश्चन है आपको यहाँ पे करना क्या है. लुक केयरफुली. फाइंड द गिवन वर्ड्स इन द मेज. इस मेज में आपको सारे वर्ड फाइंड अप करने हैं. बहुत इजी, 5 मिनट में हो जाएगा, है ना? बैड जम जज जनरल हो जाएगा. मैम इसका मैम पोनिक का होमवर्क में मार्क्स दे दी. ओके, अगर आपको लगता है कि स्टोरी में आपको टाइम लगेगा तो स्टोरी कल बना लेना, ठीक है? बाकी फोनिक के और बुके वाले जो कब्री का वन क्वेश्चन मैम फोनिक का बुक सी भी दे दीजिए. हाँ बहुत इजी है मैम. हाँ वही तो, आज का फोनिक वाला वर्क आज ही कर लेना, ठीक है? इजी है, टाइम स्टोरी जो है वो कैबरी वाला वो कल कर लेना. ओके अच्छा लगा टॉपिक? नो मैम. नो यस मैम. कुछ पूछना है किसी को? नो मैम. नो मैम. ठीक है, एंड करते हैं. गुड बाय एंड एंजॉय स्टडी. ओके मैम. गुड बाय मैम. गुड बाय. गुड बाय मैम.